करें, पुनर्जन्म को लेके आपकी क्या राय है और उसके बारे में आप क्या कुछ कहोगे? पुनर्जन्म के बारे में वैसे तो इतिहास के पन्नों को देखें तो वो भी ये बात साबित करते हैं जी। आप यीशु के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कई बार ऐसे केसेस सुनने में बहुत आते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो मैं मानता हूँ इस बात को कि जरूर ऐसा होता होगा। चार प्रकार की बातें होती हैं। एक तो होती है चेतावनी की, चेताते हैं कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, पाप करोगे तो तुम्हें गंदी योनि मिलेंगी, कष्ट होंगे, दुख होंगे, नरकों में जाना पड़ेगा। स्वर्ग नरक वाला क्या कुछ है? स्वर्ग नरक की तो वो तो बात है पक्की। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग टाइम पे हम आपको जो पुनर्जन्म की जो घटनाएं होती हैं, अद्भुत अद्भुत जो घटनाएं, वो हम आपको हरियाणा 36 लाइव चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं। और आज मैं मौजूद हूँ हरियाणा के भिवानी ज़िले में, जो दिनों जो आश्रम है, राधा स्वामी आश्रम है, और जो हमारे साथ महाराज जी हैं कंवर साहब, वो हमारे साथ में हैं। और आपके ये काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि भाई इनकी भी एक बार जो है वो जो पर्सनल राय, क्या पुनर्जन्म के बारे में इनका क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले तो जी राधा स्वामी, राधा स्वामी जी, अच्छा जी आपसे हम बातचीत करें, पुनर्जन्म को लेके आपकी क्या राय है और उसके बारे में आप क्या कुछ कहोगे? पुनर्जन्म के बारे में वैसे तो इतिहास के पन्नों को देखें तो वो भी ये बात साबित करते हैं जी। आप जैसे न्यूज़ रिपोर्टर, मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी, अपनी मेहनत से घर घर जाके और ऐसे केसेस जो होते हैं उनको देख के बताते हैं जी। लेकिन मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत राय है, मैं कभी ऐसे केस के पास ना तो कभी गया, ना मैंने सुना, ना कभी देखा जी। बस आप जैसों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कई बार ऐसे केसेस सुनने में बहुत आते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो मैं मानता हूँ इस बात को कि ज़रूर ऐसा होता होगा, क्योंकि इतिहास भी कहता है कि अनेक ऐसे हुए हैं कि कथाओं में आता है, पुराणों में लिखा है जी, कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, उनको अपना कर्म भोगने के लिए दोबारा से आना पड़ा। बाकी ये तो मालिक ही जानता है कि उसके इसे के कारोबार में क्या, किस तरह की व्यवस्थाएँ उन्होंने बनाई हैं, लेकिन मान सकते हैं इसमें मेरी राय ये है, मैं मानता हूँ। कितने परसेंट अगर हम आपसे बातचीत करें जी, जैसे 100% में से कितना यकीन आपको पुनर्जन्म पे? 50% तो मैं कम से कम ये मानता ही हूँ, 50% मानता हूँ। अच्छा महाराज जी, इसके साथ साथ जो हम एक स्टोरी दिखाते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद जो लोग कुछ दावा करते हैं कि उन्होंने जो है यम के दूत देखे हैं, या जो भी कुछ वो बताते हैं कि भाई यमराज है, वहाँ पे जो है बड़ी बड़ी जो सफ़ेद डाडी वाला होता है, बड़ी बड़ी जो लाल रंग की किताबें कुछ लोग बताते हैं, हमने बहुत सारी स्टोरी कवर की हैं जी। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहोगे? इस बारे में तो मैं जीरो भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, मानता नहीं जी नहीं, क्योंकि वो जो फैसले करने वाला है, कर्म का फैसला हो, जीवन का फैसला हो, मृत्यु का फैसला हो, आज तक ना तो कभी उसके फैसले बदले गए हैं और ना ही उनमें कोई किसी प्रकार की हमने ऐसी बात सुनी है। लेकिन हाँ, इतनी ज़रूर है कि लोग ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। अच्छा। एक जगह कोई बात चल जाती है ना, तो आप देखोगे हर जगह वही बात अपने ऊपर लगा के लोग बताते हैं कि हाँ मैं मर गया था, मैं ये हो गया था। तो वो हो सकता है एक सौपन की अवस्था ऐसी हो, उनकी कल्पनाएं दिमाग में ऐसी हो जी, सुनी हुई बातें उनकी होती हैं, वो उनके दिमाग में आ जाती होंगी। मैं ये भी नहीं कहता कि झूठ बोलते होंगे जी, लेकिन उसको कुछ ना कुछ दिखाई देता है, वो उसको वास्तविकता मान लेते हैं, वास्तविकता मान। लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता होगा जी, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उसका कोई रंग रूप कोई होता तो ऋषि मुनि संत महात्मा जो अपना इतना जीवन लगा के जी, इतनी खोज करने के बाद में किसी ने उनका रूप तो नहीं बताया आज तक जी, वो तो आकार रहित हैं, उनकी कोई आकृति नहीं, वो इन तत्वों से भी अलग हैं जी, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है, वो हर जगह उसको हम मानते हैं, कण कण में मौजूद है, रूप कहाँ से आ गया उनका, दाढ़ी कहाँ से आ गई है ना जी। तो इसलिए मैं नहीं मानता इस बात। अच्छा, हम बचपन से सुनते आए हैं महाराज जी कि यम के दूत आते हैं लेने के लिए, चार लोग होते हैं, उनके हाथों में भाले वगैरह जो भी जैसे किताबों में भी लिखा होता है, तो उसकी कितनी सच्चाई आप मानते हैं? वो सिर्फ इस जीव को डराने के लिए, अच्छा,
ये चार प्रकार की बातें होती हैं। एक तो होती है चेतावनी की, अच्छा। चेताते हैं कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, पाप करोगे तो तुम्हें गंदी योनि मिलेंगी, कष्ट होंगे, दुख होंगे, नरकों में जाना पड़ेगा। ये तो चेतावनी है। और डरावनी है, तो ये डरावनी उसमें आ जाता है जी। कि जीव को डराया जाए तो बुरे कर्मों से बच सकता है, बच सकता है जी। एक धारणा और भी है महाराज जी कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक वाला जो सिस्टम है जी, उसका क्या रहस्य, अगर उसके बारे में आप कुछ बता पाए, स्वर्ग नरक वाला क्या कुछ है? स्वर्ग नरक की तो वो तो बात है पक्की, वो स्वर्ग और नरक का तो ये है, आदमी यहाँ भी देख सकता है क्योंकि कर्म प्रधान है संसार में जी। और जो इंसान जैसा कर्म करता है उसका फल भी मिलेगा। तो जो बुरा कर्म करता है या दुनियादारी के ही काम करके देख लें हम, जो भी काम करते हैं उसका फल मिलता है जी। किसान खेत में काम करता है, अनाज मिलता है जी। विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ता है तो ये डिग्रियां मिलती हैं। दूसरे व्यवसाय करने वाले लोग अपना धंधा कारोबार करते हैं, उनका परिणाम मिलता है। तो कर्म का तो परिणाम है। और रामायण में लिखा भी है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जिन जैसा किया वैसा फल सका। तो जैसा कर्म करता है इंसान, बुरा करेगा तो उसका बुरा नतीजा, अच्छा करेगा तो उसको स्वर्ग कह दिया गया कि नेक कर्म करने वाले स्वर्ग में चले जाते हैं। तो इसलिए वो जरूर ऐसी व्यवस्थाएं हैं जी, जी, जी। कि बुरे कर्म करने वालों को तो बुरी गति होती है। अब ये देखो कि एक आदमी यहाँ अंधा लूला लंगड़ा पैदा होता है जी, तो उसने इस जन्म में कुछ किया ही नहीं जी, जी, जी। वो अंधा ही पैदा हुआ है तो क्या कर दिया उसने, उसका पीछे का कुछ ना कुछ कोई ना कोई उसका कर्म का फल है, कर्म का फल है जी। जी। अच्छा महाराज जी, एक बात और भी है, एक स्टोरी हम और भी कवर करते हैं जी। जो आत्माएं होती हैं, जैसे अभी हम कल परसों एक स्टोरी कवर की थी, जैसे वो बोल रहे हैं कि आत्मा दो प्रकार की बताते हैं कि भाई बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा, कुछ आत्मा फायदे के लिए बताते हैं, कुछ जो है नुकसानदायक आत्मा बताते हैं जी। तो ये जो जैसे महिलाएं होती हैं या फिर जो पुरुष होते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे अंदर आत्मा घुस गई, हमारे अंदर मेहंदीपुर वाले बालाजी आ गए, हमारे अंदर ये आ गए, तो उसमें क्या कुछ सच्चाई है महाराज जी, उसके बारे में बताइए ना। ये मैं बताऊं, ये बहम है उनका जी। ये जरूर है कि रूह जिसका ये शरीर छूट जाता है, अनटाइमली डेथ जिसको बोलते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है जी, तो उसकी हालत ये हो जाती है कि ये घर भी छूट के आगे उनको जगह नहीं मिली जी। टाइम से पहले होगी ना, अगर टाइम पे तो होती उसकी जगह निश्चित की होती कि इस योनि से उस योनि में जाएगा। लेकिन बिना टाइम के जो डेथ हुई है तो उस रूह को जगह नहीं मिलती, वो भटकती फिरती है, भटकती फिरती है। तो वो रूह का जब टकराव हो जाता है किसी से, या आदमी भयभीत इतना हो जाता है, या वो किसी अपने प्यारे को, जानकार को इतना याद कर लेता है, तो वैसे तो काफ़ी चीज़ें दिमाग की विकृतियों के कारण आदमी मानता है जी। वो कुछ ना कुछ बना लेता है पिक्चर अपने दिमाग में, और फिर वो जिनके मतलब कमजोरी होती है, कमज़ोर दिमाग वाले, कमज़ोर सोच वाले, वो इस तरह की भय डर की बातें करके कुछ का कुछ करने लगते हैं, कुछ का कुछ करने लगते हैं। एक स्टोरी हमने कवर की थी महाराज जी, पलवल की स्टोरी थी, और उस लड़के ने करीबन 10-12 साल का लड़का होगा वो, उसने सारी बातें बताई कि भाई मैं ऐसे ऐसे 12 साल तक घूमता रहा, मेरी प्रेत जो आत्मा थी वो घूमती रही। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि भाई जब आपका दोबारा जन्म हुआ तो आपको परमिशन किसने दी, लेकिन वो बंदा वो बात नहीं बता पाया, उसका क्या कुछ है जैसे ना, किसकी ना, मैं इसको मानता ही नहीं, मानते ही नहीं ना, इतना याद नहीं रहता। छोटा बच्चा रहता होता है जब तक, तो उसको शायद कुछ याद रहता होगा, नहीं तो ये बड़े बड़ों को याद नहीं रहती जी। जी जी, कितने कितने ज्ञानी, दार्शनिक, वैज्ञानिक और ज्योतिषी हुए जी, सहदेव जैसे होके चले गए दुनिया में। जी, जी, जी। अगर ऐसा कुछ होता तो दोबारा आके बताते। एक अभी जस्ट एक हफ्ते पहले की स्टोरी थी महाराज जी, कैलिफोर्निया की एक लड़की है जी, और उसकी उम्र मात्र 3 साल की है, बीकानेर राजस्थान की घटना है, और वो लड़की विदेशी टोन में इंग्लिश बोलती है, 3 साल का बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोल पाता, और बोलता है तो थोड़ा बहुत तुतड़ा के बोलता है जी। लेकिन वो लड़की बिल्कुल परफेक्ट जो टोन है उसका, वो अमेरिकन टोन है। आपने देखी जी? हाँ, मैं खुद इंटरव्यू करके आया हूँ महाराज जी। अच्छा अच्छा जी, तो आप गए खुद? हाँ, मैं उनसे साक्षात्कार हो गया, मैंने इंटरव्यू किया। लड़की रहती कहाँ है? वो बेंगलोर में पैदा हुई थी महाराज जी, और वो बीकानेर में रहते हैं अभी। मतलब वहाँ कभी कैलिफोर्निया में गई नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गए। 3 साल की तो बच्ची है। तो ये तो देखो प्रकृति का कोई अद्भुत ही खेल है, अब इनकार भी कैसे करें कि आपने तो खुद देखी है जी, जी, जी। लेकिन मेरी मान्यता कुछ अलग सी है इसके बारे में, अलग सी। मैं ज्यादा इन बातों में विश्वास करता नहीं जी। अच्छा महाराज जी, लास्ट में जो
व्यूअर जो दर्शक आपको देख रहे हैं जी, तो उनको आपकी तरफ से क्या संदेश, क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये इस तरह की बातें होती हैं उनमें अतिशोक्ति ज़्यादा होती है, बढ़ावा चढ़ावा, और दूसरी लोग कॉपी करके बहुत कहते हैं। हम एक गांव में सुन लेते हैं ना, वो सभी गांव में वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं लोग कि हाँ ऐसा हमने भी देखा था, ऐसा हमने भी देखा था, ऐसा हुआ था। पुराने ज़माने में बच्चे थे जब ये कहते थे ना, बोला भाई तेरा दादा था, जब वो कहीं रास्ते में जा रहा था एक गड़कटा भूत मिल गया उसको, अब जिसका गढ़ कट गया उसको दिखाई नहीं देता, सुनता नहीं, बोल नहीं सकता, तो कहाँ से हो गया वो? फिर फिर तो पत्थर ही कह दो है? लेकिन उस बात को सब मानते थे, बूढ़े बुजुर्ग सारे बैठे बैठे बड़े आश्चर्य से कहते हाँ अच्छा फिर क्या हुआ? बोले कि वो पीछे पीछे हो लिया, आवाज़ निकालने लग गया, कभी झोटा बन गया, कभी भेड़ बन गई, ये बनावटी बातें, और हर गांव में वही बात होती। फिर तो इस तरह से वो लोगों के दिमाग में एक से दूसरे पर चलती रहती है, किसी ने एक बार कह दी और भेड़ चाल होगी दुनिया की, समझ लिया। तो हमारे जी बताएं हमारे। हाँ हाँ बहुत बहुत, तो मैं कहना चाहता था कि इन बातों में ना पढ़ के आदमी अगर मालिक की भक्ति करता है, परमात्मा की जिसको याद करता है, उसके गुण उसमें आते हैं, तो परमात्मा दोष रहित है, भय रहित है जी। और वो सबको शांति सुख देने वाला है, बुरे कर्मों से बचाने वाला है, इसलिए वो समय निकाल के उसको याद करना चाहिए, बुरे कर्म करने से बचना चाहिए, जीवन पवित्र रखे। भूत प्रेत अगर हों भी गए तो उसके पास भी नहीं आते जी, जी। और पुनर्जन्म की क्यों कल्पना करें, मालिक से ये प्रार्थना करें दुनिया में दोबारा आए ही नहीं है, सजा के लिए पीछा छूट जाए हमें, तो वो दे दो, क्योंकि बिछड़ के परमात्मा से कौन सुख पाता है, तो जब उनसे जाके ही मिल जाएंगे तो अपने पास ही रहना पसंद है जी जी जी। तो हमारे साथ थे जो अभी हम मौजूद थे, जो हरियाणा का जिला भिवानी और राधा स्वामी जो आश्रम है, हमारे साथ जो मौजूद थे कंवर साहब जो महाराज जी हमारे साथ मौजूद, इनसे हमने बातचीत की पुनर्जन्म को लेके, और भी जो हमने कंटेंट अपने चैनल पे डाले हैं इनके बारे में विस्तार से इनसे बातचीत की, कुछ सवाल आप लोगों के थे वो इनसे पूछे, तो और भी ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसी ऐसी शख्सियत जो है आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, गांव दिनो, जिला भिवानी, हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गोमत। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।